अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। आज के अनकट में हम बात करेंगे कांग्रेस के सदर राहुल बाबा के हैदराबाद के दौरे के बारे में। यह नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, राहुल बाबा और आंध्र के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, दूसरे महाकूटमी के बड़े बड़े कायदीन कल हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे किए और महाकूटमी के कैंडिडेट्स को जिताने की आवाम से अपील की। इस जलसों के तहत सबसे बड़ा जलसा रहा हल्के नामपल्ली का, जो जियागुड़ा वगैरह इलाके में हुआ, रॉयल सी होटल के बाजू, बहुत बड़ा जलसा, जहां पर नामपल्ली के कैंडिडेट फेरोज खान, कारवान के कैंडिडेट उस्मान अल हाजरी, गोशा महल के कैंडिडेट मुकेश गौड़ को राहुल गांधी ने आवाम से इंट्रोड्यूस किया और इन्हें वोट डालकर जिताने की अपील की। कांग्रेस के यूथ लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने सिंगलली हैंडेड करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाया और राहुल गांधी का वेलकम किया। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में क्या कहा, पता है आपको? गौर करने वाली बात है। तेलंगाना में एमआईएम को और टीआरएस को अगर वोट देंगे तो ये वोट बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल को जाएगा। ये राहुल बाबा का ख्याल है। अब राहुल बाबा के इस ख्याल को हैदराबाद की आवाम कबूल करेगी या नहीं, ये तो 7 दिसंबर के दिन ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का ये इल्जाम कि एमआईएम को वोट देना, टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्या ये इल्जाम सही है? आइए सुनते एक बार। और वो काम करने की मदद आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देश में लड़ाई नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, टीआरएस के चीफ मिनिस्टर और एमआईएम के लोग देश में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहे हैं, ये बात आप भूलिए मत। वैसे काफी जमाने से बहुत रूमर्स चल रहे हैं कि एमआईएम टीआरएस मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ में कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। अब एआईसीसी के सदर होने के नाते, एक काबिल लीडर होने के नाते राहुल गांधी जब ये इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या इसे हैदराबाद की आवाम कबूल करेगी? वो भी एमआईएम का गढ़ नामपल्ली के हलके में हुए जलसे से खिताब करते हुए राहुल बाबा ने यह बात बताई। खैर, ये तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसके हक में वोट जाएगा और 11 दिसंबर को मालूम होगा कि किसके हक में वोट पड़ा और कौन जीता। खैर, राहुल गांधी का कल का जलसा तो कामयाब रहा। इस जलसे के बाद कल रात देर गए बहादुरपुरा हलके के महाकूटमी के कैंडिडेट कलीम बाबा ने इस हलके में, एक इलाके में जलसा रखा, जहां पर बताया जा रहा है कि एमआईएम के वर्करों ने अटैक किया। ख्वातीन भी थी काफी तादाद में और कलीम बाबा का जलसा होने नहीं दिया, तोड़ फोड़ कर दी, स्टेज तोड़ दिया, बैनर्स को जला दिए। और यहां तक के देखा गया विजुअल्स में, वीडियो में, कि पुलिस से झड़प रहे हैं वहां के कारकुन। आइए देखते हैं। Ah!
देखिए होता है क्या। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।